नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है प्रीमियर में, वो है कि आप प्रोग्रेसिव बार कैसे बनाओगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था रेडियल बार कैसे बनाओगे, बट इस टाइम मैं दिखा रहा हूँ कि प्रोग्रेसिव बार भी बोल सकते हो आप, या फिर इसको डाउनलोडिंग वाले स्टाइल में भी बोल सकते हो कि डाउनलोडिंग वाले जो बार होते हैं वो कैसे बना सकते हो। 3 डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक जिससे आप प्रोग्रेसिव बार बना सकते हो। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक, न्यू आइटम में जाता हूँ एंड देन यहाँ पे मैंने ले लिया कलर मैट। कलर मैट में मैंने ले लिया ब्लू कलर कुछ ऐसा, और दिस इज़ फाइन। एंड देन इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, जितना आपको चाहिए होएगा उतने बड़े बैकग्राउंड, एज अ बैकग्राउंड मैंने सेट कर दिया इस चीज़ को। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जाने के बाद मैं सबसे फर्स्ट में जाता हूँ, यहाँ पे शेप ले लो आप रेक्टेंगल, कुछ इस तरह से रेक्टेंगल आप ड्रॉ कर लो। तो मैंने यहाँ पे कुछ रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ कर दिया है, जितना जितनी बड़ी साइज़ आपको चाहिए आप रख लो। एंड देन इसमें से आपको कुछ करना नहीं है, एक में आपको यहाँ पे डिसकनेक्ट कर देना है, मीन्स विड्थ एंड हाइट आपको हटा लेना है। एंड देन यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक में मैंने फिल कलर यहाँ से हटा दिए हैं, सिर्फ स्ट्रोक रखा हुआ है मैंने। तो स्ट्रोक आप ले सकते हो, जितना भी आपको चाहिए होएगा उतने आप स्ट्रोक रख सकते हो यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे आई थिंक 15 मैंने रखा हुआ है स्ट्रोक में। एंड देन इसकी एक कॉपी कर लेता हूँ मैं, जस्ट एक कॉपी कर लो यहाँ पे। एंड देन कॉपी करने के बाद आप क्या करो, यहाँ पे क्लिक कर दो अगेन अपने शेप 01 पे, एंड देन यहाँ पे फिल ले लो एंड देन स्ट्रोक हटा दो। ओके, और यहाँ पे आपको एक्स एंड वाई मीन्स विड्थ मिलते हैं, विड्थ एंड हाइट है, तो आप चाहो तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लाइक यहाँ पे मैंने ले लिया 95 एंड देन अगेन 95। सी, तो कुछ इस तरह से मैंने ले लिया, इवन दो मैं 90 ले लेता हूँ थोड़े से और, या फिर आप थोड़ा सा यहाँ पे क्या करो 80 ले लो। सी, तो कुछ ऐसा मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो फर्स्ट काम तो आपको ऐसे कर लेना है कि आप ये वाले दो आपको ले लेने हैं स्ट्रोक एंड विड्थ। तो मैंने 80 की जगह मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 85, थोड़े से बड़े कर लो आप, साइज़ ज़्यादा बेटर है। हाँ, तो 85 मैंने रख लिया ऐसा। सी, आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड देन आप क्या करो, इसकी थोड़े से बढ़ा लो आप यहाँ तक जहाँ तक आपको चाहिए होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए लाइक 15 सेकेंड्स तक मुझे चाहिए होगा, मैंने इतना ले लिया, काफ़ी है। एंड देन आफ्टर दैट मैं क्या करना चाहता हूँ, जो सबसे टॉप में है, ओके, जो मुझे सिर्फ फिल कलर जिस पे मैंने अप्लाई किए हुए हैं उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन चले जाना है आपको यहाँ पे, तो आपको चले जाना है यहाँ पे इफेक्ट्स पे। एंड देन यहाँ पे आपको ले लेना है क्रॉप, आप यहाँ पे ले लो क्रॉप। तो सिंपल सा क्रॉप को जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, सिर्फ फिल कलर वाले पे, स्ट्रोक पे नहीं चाहिए। एंड देन यहाँ पे आप आ जाओ, आप देख सकते हो यहाँ पे क्रॉप लेफ्ट टू राइट, आप जैसा आपको चाहिए होगा आप वैसा यहाँ पे ले सकते हो। तो मुझे यहाँ पे लेफ्ट टू राइट नहीं चाहिए, मुझे राइट टू लेफ्ट चाहिए कुछ ऐसे, फाइन। सी, तो मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में ना मैं यहाँ पे रख देता हूँ 72, काफ़ी है। तो मैंने कीज़ कुछ ऐसे रख दिए हैं, स्टार्टिंग में मैंने एकदम 0 पे रखा हुआ है। थोड़ी देर के बाद, मान लो इतने 10 सेकेंड्स के बाद मैं चाहता हूँ कि ये कम्प्लीटली 0 कर दो आप। सी, एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ डाउनलोडिंग वाले स्टाइल में आपके यहाँ पे आ चुके हैं, फाइन। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखने हैं डाउनलोडिंग वाले। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना फर्स्ट लॉक कर देता हूँ सभी को, नहीं तो टेक्स्ट हमारे ना इसके अंदर में ही चले जाएंगे। तो इसके लिए आपको पहले से ही उसे आपको हटा लेने हैं, पहले आप लॉक कर दो उस चीज़ को। एंड देन फिर मैं टेक्स्ट में आता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली वो टॉप वाले लेयर पे चले गया है। एंड देन यहाँ पे आप यहाँ पे लिख दो डाउनलोडिंग कुछ ऐसे। सी, सिंपल सा यहाँ पे डाउनलोडिंग है, कुछ ऐसे आ रहे हैं। डाउनलोडिंग को थोड़ा सा आप प्लस प्लस कर दो, थोड़े से आप स्केल कर दो यहाँ पे। सी, ओके, तो यहाँ पे कुछ आ गए हैं डाउनलोडिंग वाले, जहाँ पे भी आपको रखने हैं अलाइन करने रख दो, अदरवाइज़ ठीक है ऐसे भी। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जब सारे हो जाए तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करो आप, सी एरो में जाओ, एंड देन एरो से आप क्लिक कर करके हटा दो ऐसे, फाइन। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, प्लस 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 करो यहाँ पे, आप देख सकते हो। एंड देन यहाँ पे आप डिलीट कर दो, तो यहाँ पे आपको क्या करो, इसको रखो, इसे आपको डिलीट कर दो, इसे रखो एंड देन इसे डिलीट कर दो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोडिंग के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, थोड़े से गैप क्रिएट कर सकते हो। सी, ओके, ऐसा। तो थोड़े से अगर बड़े साइज़ आपको करने हैं, थोड़े से आप इसको इंक्रीज़ कर दो ऐसा,
एंड देन प्रेस ऑल्ट एंड देन कॉपी कर दो आप कुछ ऐसे। फाइन, तो जितने तक आपको चाहिए होंगे सब भी पे आप डाउनलोडिंग वाले कुछ इस तरह से आप सेलेक्ट करो एंड देन इस तरह से ले लो। अगेन सेलेक्ट करो सभी को एंड देन कॉपी कर दो कुछ ऐसे। अगेन सेलेक्ट करो कुछ इस तरह से आपको कॉपी करने हैं एंड देन पेस्ट करते चले जाने हैं एंड देन लास्ट में आप मान लो रहने दो ऐसे। अब आप देख सकते हो जो वीडियो मैंने बनाए हैं डाउनलोडिंग के वो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा डाउनलोडिंग का बार, ओके, आई मीन प्रोग्रेसिव बार, ओके। तो फर्स्ट ये हो गया एक ऑप्शन, तो ये है। सेकंड में आता हूँ, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मेरा हो गया यहाँ पे काम। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे फर्स्ट सभी को अनलॉक कर देता हूँ यहाँ से एंड देन डिलीट कर देता हूँ एंड देन फिर से मैं चले जाता हूँ यहाँ पे प्रोग्रेसिव वाले में। कलर मैट को मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इस बार थोड़े डिफरेंट ले लेता हूँ। तो मान लो मैंने ब्लू लिया था, तो दिस टाइम आई वांट टू पिक मस्टर्ड येलो कलर। अगेन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो आप, ओके, यहाँ पे आ गए, प्लस प्लस कर दो एंड देन इस बार मैं चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनाने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे फर्स्ट आप चले जाओ यहाँ पे कि मैं इसी से बना लेता हूँ फर्स्ट एक रेक्टेंगल प्रोग्रेस बार ऐसे एंड देन इस बार मैं अगेन स्ट्रोक रखता हूँ, फील हटा देता हूँ। तो ये ज़्यादा बेस्ट है कोई भी शेप क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसे। एंड देन यहाँ पे आप आ जाओ, जहाँ पे भी आपको चाहिए होंगे वहाँ पे आप इसको लेके आ जाओ। कुछ बॉटम में मैं रख लेता हूँ एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सिंपल सा चला जाता हूँ मैं। अगेन मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू आइटम में जाकर फिर से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कलर मैट में जाकर इस बार मैं ले लेता हूँ वाइट कलर। सी, वाइट कलर पे लेके आ गया एंड देन इफेक्ट में जाता हूँ यहाँ पे एंड देन आपको सबसे फर्स्ट क्या करना है, वाइट कलर तो यहाँ पे आ गए हैं, आप चाहो तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आप देख सकते हो कि फुल स्क्रीन मोड में चले गया है, तो मुझे फुल स्क्रीन तो चाहिए नहीं। तो मैं स्केल को करूँगा यहाँ पे अनलॉक एंड देन यहाँ पे विड्थ मुझे हाइट कम करनी है, आप हाइट पे चले जाओ। तो हाइट को मैंने कम कर दिया जितना मुझे चाहिए एंड देन थोड़े से इसके लेंथ को भी मैंने कम कर रखा है। थोड़ा सा पोजीशन आप सेट कर दो यहाँ पे कि कहाँ पे आपको चाहिए होगा, आप देख सकते हो। थोड़ा सा वेट को मैंने और भी ज़्यादा ले रखा है, इतना काफ़ी है, फाइन। एंड देन स्केल 10 कर देता हूँ मैं, सी नाउ दिस इज़ फाइन। तो अभी ये ठीक है, अभी मुझे क्या करना है यहाँ पे, सबसे फर्स्ट आपको एंकर पॉइंट को क्लिक करना है। देखो एंकर पॉइंट आपका यहाँ पे है, मुझे एंकर पॉइंट को यहाँ पे लेके आने हैं। तो आपको क्या करना है, एंकर पॉइंट को सिंपल सा क्लिक करना है यहाँ पे। तो इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे, फिट के जगह मैं थोड़ा सा 25 और या फिर 75 कर लेता हूँ एंड देन आपको यहाँ पे जो मिल रहा है एंकर पॉइंट, इस एंकर पॉइंट को आपको लेके जाना है यहाँ पे, राइट। तो आपको यहाँ पे अरेंज कर लेने हैं अपने एंकर पॉइंट को फर्स्ट, ओके। एंड देन अब मैं इसको एनिमेट करूँगा, तो मैं अगेन मैं फिट कर देता हूँ थोड़ा सा, इससे भी मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ ऐसे एंड देन स्टार्ट में जाता हूँ। स्टार्ट में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे मिल रहा है विड्थ, विड्थ को मैंने क्लिक किया एंड देन थोड़े आगे में जाकर मैं सॉरी, तो विड्थ को मैं क्या करूँगा, सबसे फर्स्ट मैं यहाँ स्टार्टिंग में, ओके, तो मैं स्टार्ट में क्या करता हूँ, विड्थ को यहाँ पे मैंने कर दिया 0, ओके, तो मैं 0 रखता हूँ एंड देन थोड़े आगे जाने के बाद मैं इसे कर देता हूँ 100%। 100% तो नहीं होएगी, तो आप क्या करो यहाँ तक ही रखो, सी काफ़ी है, ओके, आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे ले सकते हो, डाउनलोडिंग के अकॉर्डिंग ले सकते हो या फिर आप प्रोग्रेसिव बार बना सकते हो कुछ इस तरह से, ओके। एंड देन थर्ड, अगर आपको कुछ बनाने हैं प्रोग्रेसिव बार अगर कुछ बनाने हैं ऐसे, तो सिंपल सा आप क्या करो, अगेन जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, रेक्टेंगल यहाँ पे ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिए, फाइन। अगेन फिल कलर आपको लेने नहीं है एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फिल कलर जो मैंने यहाँ पे वाइट कलर जो मेरे थे वो मैं लेके आ जाता हूँ इसके ऊपर में, सी ऐसा कोई भी कलर आप ले सकते हो। राइट क्लिक करो एंड देन कलर मेट, आप वाइट कलर मैंने रख लिया है एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्केल को ब्रेक कर देता हूँ, हाइट को मैंने कर दिया कम, थोड़े से छोटे कर दिए मैंने इतने एंड देन विड्थ को भी मैंने ले लिया ऐसा एंड देन यहाँ पे मैं एडजस्ट कर देता हूँ इस बॉक्स के अंदर में, सी। तो मैंने यहाँ पे स्केल के जो विड्थ है वो तो ठीक है, वो थोड़े से और इंक्रीज़ कर सकते हो आप, इतने काफ़ी हैं। बट हाइट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे लाइक 78 और समथिंग, सॉरी
यहाँ पे हाइट में मैंने ले लिया 9 और 7। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर मैं मास्क अप्लाई करूँगा। तो सिंपली मैं क्या किया, मास्क यहाँ पे मैं लेके आ गया। मास्क को आप यहाँ पे रख लो कुछ ऐसे। सी यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, सिंपल से यहाँ पे मैं चला जाता हूँ, यहाँ पे मैं लेके आ जाता हूँ कुछ ऐसे। फाइन, सिंपल सा जैसा आपको चाहिए, आप पहले एडजस्ट कर लो अपने मास्क को। तो फर्स्ट में मैंने क्या किया, मास्क को यहाँ पे क्या किया, एनिमेट कर दिया। मास्क पाथ को ले लिया मैंने ऐसे। तो उसके बाद आपको करना है क्या है, ये फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, जब आपका सारा काम हो जाए तो यहाँ मास्क पाथ को क्लिक कर दो। तो स्टार्टिंग में मास्क पाथ मेरा अपने जगह पे है, एंड देन यहाँ जाते जाते हमें क्या करना है, मास्क पाथ को फिर से मैं क्या करता हूँ, मास्क को क्लिक करो एंड देन यहाँ पे जाओ एंड देन इसे स्लाइड करके आप यहाँ लेके चले जाओ। सी, तो आप देख सकते हो मास्क को आप हटा दो एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोग्रेसिव बार। तो इस तरह से मैं तीन तीन डिफरेंट टाइप से या डिफरेंट टेक्निक से मैंने बता दिया कि किस तरह से आप प्रोग्रेसिव बार बना सकते हो। तो ये था आज का मेरा टॉपिक, प्रोग्रेसिव बार या फिर डाउनलोडिंग वाले जो बार होते हैं उसके बारे में। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग प्रीमियर के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।